साले दिमाग है ही नहीं है। गंद है भाई मेरा गंद ओए। यार गाड़ी यहाँ पे खड़ी ना ही करें ज्यादा बेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज बॉयज मुझे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा कि भाई गाड़ी उनसे हमारी मर्सिडीज है। ठीक है, वो क्यों ही लग रहा, ठीक है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गाड़ी की जो हालत है। मुझे भी मर्सिडीज भाई लग ही नहीं रही। वो देखें डैशबोर्ड भाई, हाँ जी इसका जो सा पीछे ट्रंक में रखा हुआ है हमारा, गिर गया था भाई चलते चलते। मैंने कहा यार ये भी गंद है। उनसे मैंने बात की थी नज़ीर ऑटो वाले से, उन्होंने कहा कि भैया आपने ये नया इंपोर्ट करवाना है, नहीं तो ये यहाँ पे ना तो इसका जुगाड़ कोई होगा। जुगाड़ अगर हो भी जाए तो हल्का फुल्का मैं करवा लेता हूँ अभी, तो अगर आप नया इंपोर्ट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक वो है और एक जो सा है वो ये है, ये क्या नाम है, ऐसे आके हाथ में आ जाता है भाई। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो भाई मर्सिडीज़ की मुझे बेंज फील नहीं करवा रही भाई। ठीक है, इसका तो खैर जुगाड़ नहीं हो सकता आम रेस्ट का, लेकिन उसका कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ करवा लेता हूँ। सेकंड थिंग कि इसका हम लोगों ने आज ऑयल चेंज करवाना है, क्योंकि गाड़ी जो सी है बोल के बता रही है कि भाई मेरा ऑयल चेंज करवाओ। मैं इस हालत में नहीं हूँ, इस कंडीशन में नहीं हूँ कि भाई मुझे आप मज़ीद इसी ऑयल के साथ ड्राइव करें। थर्ड थिंग एज़ यूजुअल छत को भाई फिर मसले बने हुए हैं, और उसका या तो कोई ऑयल लीक है या कोई और उसको जो सा है वो इशू है, जिसकी वजह से भाई ये जब खोलो तो छत जो सी है वो मतलब कि कछुए की भी जो स्पीड होती है ना उससे भी भाई हाँ जी स्लो खुलती है। और कुछ बार तो भाई मुझे आसरा ऐसे देना पड़ता है भाई खुल जा। ठीक है, तो उस चीज़ का भी हम लोगों ने आज हल करवाना है। कमर भाई को दो तीन दिन से मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी गलती होती है क्योंकि मैं उठता ही भाई हाँ जी लेट हूँ तो जा नहीं सकता। आज मेरी आँख खुल गई है, पता नहीं कैसे खुल गई है मुझे खुद नहीं पता। तो अभी निकले हैं, अभी अभी घर से निकले हैं, जा रहे हैं उनके पास ही। पहले जाना है हम लोगों ने शोरूम पे, शोरूम पे देखते हैं तला आया हुआ तो उसको भी साथ ले लेते हैं, नहीं तो अकेला जाना पड़ेगा। फिर शोरूम पे एक छोटा मोटा मुझे काम है, उसके बाद जाना है हमने F10। और F10 में मैंने भाई कपड़े सिलने के लिए दिए हुए आगे ईद आ रही है और उनको साइज़ का ही नहीं पता मुझे सदके, तो उनको साइज़ वगैरह देना है। और फिर हम लोगों ने जाना है नज़ीर ऑटो पे, तो चलो। भाई शुरू शुरू में इतने मज़े का फील होता है, मर्सिडीज़ में बैठूँ हैं बेंज में बैठूँ, लेकिन जब का भाईजान जी ये कलर हुआ ना तो मुझे अब अजीब अजीब सा लगने लग पड़ा है। इसके एक और एक दो काम और भी हैं, और वो क्या है, ये बात कैसे आ रही है भाई, ये भी रूफ की आवाज़ है भाई। ये जब कुर्ती है ना, कुर्ती बंद होती है, कुर्ती बंद होती है यहाँ पे क्लिप है उसकी आवाज़ है, आप समझ लोगे गाड़ी खड़ी की हुई है। तो खैर एक दो काम बॉयज और है, और वो क्या है, वो ये है कि इसकी जो से मतलब कि डिस्क होती है मेरे ख्याल में, वो जो सी है वो जब ब्रेक मारो तो गाने गाती हैं। वो गाने कैसे गाती हैं, वो ची 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 करके वो गाने गाती हैं, तो वो भी काम है इसका। फिर एक काम और है, वो क्या है, ब्रेक पैड्स वगैरह जो से हैं वो ब्रेकिंग का भी काम उनसे करवाना है, लाजमी सी बात है, लेकिन वो आज नहीं करवाना, वो फिर कभी करवाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास। और ये भाई आग किधर लगी हुई है, अरे यहाँ पे आग लगी हुई है। आग लगी हुई है लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर लगी हुई है, वो सामने लगी हुई है भाई, ये चीजों के रेट का तो नहीं लगी हुई आग। इसने पाल लिया, अभी इसने निवास के साथ पाल लिया। कितने इसमें साले दिमाग भाई नहीं है। मूर्खा बोलेगा देर बजे दिन बाद। इसने तो पहला पाला है ना, घर से आया पनी हुआ हमारा शोरूम वाला, दूसरे के लिए हम लोग निकले हुए हैं, अल्लाह खैर करे बस पहुंच के, तो फिर देखते हैं आज काम अल्लाह करे कुछ। उस दिन तो चलो हमारा झटके से ही भाई जी गाड़ी के वो खुल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार स्लो हो गया वो, तो वो अल्लाह करे हो जाए हमारा।
तो भाई ये होती है जलालत, अगर मतलब इशारा हो, इशारा हो, खुल गया, चलो जी गुड हो गया, ठीक है, बगैर भी अपनी रहने होता भाई। पहले चलो कोई गुजारा था, लेकिन अब तो यू कैन सी। उस दिन ना मैं ना क्या नाम है किया है वो आपको बता के ना खराब है ये। मैंने वैसे दोस्त को मैं गाड़ी छोड़ने आ रहा था, मैंने कल उनको कहा कि जाके गाड़ी छोड़ा ना, इस तरह मैंने बटन दबाया, उसको कहने का मसला बता मुझे, मैंने जब खोलिया तो वो कड़क करके खुल गई है। अब पता क्या मसला है इसको, ये देखना, ये देखें स्लो स्लो, फिर दोबारा मैं करूंगा, वही कर रहा हूँ, खुलती है लेकिन बहुत स्लो, ये देखें बिल्कुल इस तरह नहीं, काम कर रहा है, ये देख रहे हैं। वही दादा तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है भाई ये यही कहेंगे कि आप गाड़ी ड्रॉप करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कमर भाई भी यहाँ तो गए हैं, देखते हैं उनसे पूछते हैं यार, गाड़ी यहाँ पे खड़ी ना ही करें ज़्यादा बेस्ट है। कमर भाई अल्लाह का करो, आपको छुट्टी के टाइम जब आपकी आंख खुलती है हमारे, मैं अब आज जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आए हो हैं, क्या हाल है, ठीक है, ये फिट करवा यार इस गाड़ी में, कर ले ऑयल भी चेंज करना है, वो कर लेते हैं ऑयल का, वो अब उसका पता क्या मसला आ रहा है, ठीक हो गई है, मतलब मैंने भेजने लगा था गाड़ी आपकी तरफ तो वो खुल गई है चार, अब पता क्या इशू आ रहा है, बहुत ही स्लो खुल रही है, इस तरह खुल रही है, इस तरह मतलब के ना खुलने के बराबर, मोटर में जान नहीं होगी ना, वो किस चीज का इशू है, मोटर का मसला होगा, मोटर का क्या करेंगे, ऑयल नहीं होगा या कोई इस तरह की कोई चीज होगी, देख लेते हैं ना, उसको बताया ना उसी ने करना, सती उनको बताया तो है, वो कहते हैं साइड पे लगाऊं करवाता, तो ऑयल का क्या प्रोसीजर है इसका, ऑयल तो अभी वो गाड़ी उतरती है मैं चेंज करा देता हूं, साहब गए तो है अल्लाह करम करे, चशके से माशाल्लाह आज नहीं क्लियरली, अगर ये दोबारा लीक होना है ना फिर खलानी पड़नी और मैंने दस देना, ठीक हो गया, लीक हो गया, मैं इसमें पहला जो शाफ नहीं है, हाँ ये शाफ का था रिपेयर करने का, ऑयल लीक हो रहा था, तो कोई जिसने हमें तंग किया हुआ था, बहुत ही नीचे लेवल था वाकई, पहले इतना ही था ना ऑयल तो बहुत कम था, आए हाय सती साहब, एक और छोटा सा काम है आपके लाइक, डैशबोर्ड को उड़ा देंगे किसी तरह, खुदा का नाम है आप ही हो यार किसी तरह जुगाड़ कर अड़ा दे, सिर्फ खुले ना बंद हो जो मर्जी हो, खोलना ना पड़े, तो भाई खजर खवार हम लोग इसलिए हो रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है मैक्स, ये रहा तकरीबन मिड ही कह लें उसको, ठीक है यहाँ पे मिड है, अब यहाँ पे था ये ऑयल, तो ये छत कैसे खुलती, ये भी उन्होंने जाके एक टीका डाला है इधर, ठीक है ऑयल का, तो वो कुछ मुझे लग रहा है अब काम करेगी, सती साहब को टीका बार लाया, हमें नहीं लगाना इसको लगाना अब ये जिस दिन दोबारा लीक होगा ना आपने मुझे फोन कर दिया, बस डन हो गया, आपको इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शाफ है ना इसका ये वाला ये हाँ ये लगा हुआ है, ठीक है ये लीक है, ये देख रहे हैं ये, ठीक है ये लीक हो रहा है, तो ये चेंज करना पड़ता है, अमूमन तो ये काबली मिलता है, ठीक है ये आपके पास है, नहीं ना तो कितने तक का मिलेगा, वो काबली ये मिलता है लेकिन काबली काफ़ी महंगा मिलता है, मतलब 30-40 हज़ार रुपये का एक शाफ मिलता है, एक शाफ हाँ, एक बंदा है लाहौर में हमने उसके पास भेजे हुए हैं जो शाफ रिपेयरिंग के लिए, दो तीन गाड़ियों को, वो अगर रिपेयर होकर आ जाते हैं ना और आपके आपका ये मसला ऐसा है, हम यहाँ पर लगा के चेक कर लेंगे वो वाली शाख, हाँ
मतलब वो हैं वो जो रिपेयर हो के आते हैं वो लीक नहीं होते कंसर में, वो होते सही हैं। हमने एक दो गाड़ियों में लगाए हैं, वो ये है कि वो आपको 10-15 हज़ार में काम हो जाते हैं। हाँ वो मतलब 20-25 हज़ार रुपये बच जाते हैं आपको। एक मुझे ये खोले जरा, मैं चेक कर लूँ अभी कितना है, फिर थोड़ी थोड़ी दिन बाद मैं चेक करता रहूँगा। ठीक होगा, मैं फिर लाहौर से मंगा लूँगा। ठीक है, ठीक होगा। इसमें ऑयल कौन सा डलता है पीछे? कौन सा स्पेशल इसी के लिए आया था। और छत वाला क्या मसला, वो तो देख ऑयल पता नहीं वो कम हो गया। मैंने इसको समझा दिया। क्या ऑयल तेल नहीं है ना? ऑयल नहीं था, ऑयल निकला लीक है ना फिर। ठीक आओ मैं जल्दी करो ना यार, पंप खोल रहे हो या खोल रहे हो? सर ये खोल रहा है, क्या नाम है? मैं फिर नमाज पूछ। नहीं ये क्या खोल, पंप इसका इधर लगा हुआ है, तुम उधर खोल रहे हो। गाड़ी ड्राइव करके एक बार चेक कर लें क्या सस्पेंशन का कोई काम तो नहीं है। तो भाई ये इसका जो है वो पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही भाई गंदी वाली हालत है इसकी। ओ भी सीधा ये सारा निकला, अभी निकला ये जी। ना यार यार ये गंद है भाई, मेरा गंद ही ओए। नहीं गंदा कमर भाई ने कहा था 1500 चला लो ऑयल पे, इस ऑयल पे। ये पहले का डाला हुआ है ना, अभी तो मैंने पहली बार चेंज करा रहा हूँ। 4000 पे चेंज कर, 4000 किलोमीटर वो लिख लेना ना यार माइलेज। माइलेज लिख दे, ये सुनो इंजन में थिकनेस खत्म हो जाती है। तो भाई जान जी ये ऑयल है 10-40 और ये डालेंगे अभी चेक करें। मेड इन जर्मनी है। आ गया भाई, रोज़ों में भाई गाड़ी का काम करना खुवारी है यार। अरे ये ऑयल फिल्टर है या एयर फिल्टर है? ये ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर उधर। ये क्या निकले गंदा। तो ये रहा पुराने वाला और इसके हालत चेक करें, और ये रहा बिल्कुल ब्रांड न्यू। ओए भाई बहुत फर्क है यार। तो वो इस गाड़ी कंप्लीट, पैसे वगैरह फुर दे दिए, अब चेक करते हैं अल्लाह करे खुल जाए भाई छत। अरे इंजन की क्या कंडीशन है, किधर गया? वाह पानी डाल दिया, चलो
और इस पे सारे सूट मेरे से नहीं इसी नाप पे और पापा का जो सूट है ना वो वाला जो सा कितने सूट में के रह गया 6 एम पे 9 9 सूट है ये री भैया की दुकान फ्री हो गए हैं और तकरीबन फ्री हैं अब बस एक काम हमारे रह गया आज भाई रोज़ा भी है और मुझे बहुत रोज़े ने तंग किया मेरी खुद की वजह से भाई गाड़ी का काम रोज़े में कौन कराता है यार खैर करा लिया अब भाई टाइम है इसको नहलाने का और इसको भाई हम लोगों ने नहलाना है सर्विस स्टेशन से और फिर जोन सा है उसके बाद हम फ्री ख़त्म टेंशन मुक्की गाड़ी की कि भाई गाड़ी का क्या क्या काम था हाँ सरप्राइज़ भाई गाड़ी का आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा वो गाड़ी पे ही आपको नज़र आएगा जो काम मैं करने लगा हूं और एक वही नहीं और मेरे बड़े प्लान किए हुए हैं लेकिन वो साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगा सो स्टे ट्यून्ड और बाकी भी गाड़ी चलाते हैं देखते हैं